सो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ना फटाफट से इसका एक रिव्यू वीडियो आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी खड़ी है ओडिसी की इलेक्ट्रिक स्कूटर, हावे प्लस मॉडल है इसका, जिसका कंपनी क्लेम करती है 170 का माइलेज। तो पहले मैं ये आपको इसके स्पीडोमीटर से बात करवा देता हूँ। आजू बाजू शोर आएगा क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऐसे शांत एरिया में, लेकिन तब भी रोड के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने इसे चाबी ऑन की, तो ये आपको स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, डिजिटल मीटर है। इसमें आपको पूरा ट्रिप भी आ जाएगा। ये लाइट के लिए है, ये हाई बीम लो बीम, ठीक है। ये साइड के लिए, तो इसे साइड से आप बंद कर सकते हैं। ये एक हॉर्न है, ये एक हॉर्न है, इसमें डुअल हॉर्न है। इसमें सबसे तगड़ा फीचर लगा मेरे को ब्लूटूथ सिस्टम। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। तो अभी हमने ब्लूटूथ ऑन किया है और ऋतिक हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा। ब्लूटूथ पे जाओ और नया देखो, ठीक है। तो तब तक ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो बैटरी है वो 18 किलो की बैटरी है। तो ब्लूटूथ का नेम आ चुका है सुनजो। तो हमने पेयर किया, इसमें कोई सॉन्ग बजाना। तो अभी आपको ना सॉन्ग बजा के दिखाते हैं कि किस तरह से इसका पूरा हाई वॉल्यूम है। बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए और तगड़ा शोर आ रहा है। कोई नहीं, मिरर का डिज़ाइन मस्त लगा मेरे को। ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, फुल कर, फुल है। अभी मैं यहाँ से फुल करता हूँ। करना फुल करना, कोई नहीं बोलेगा। तो इस ये स्लो कर रहा है, बार बार डर रहा, कोई नहीं करेगा। तू फुल कर, फुल कर, फुल बस तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना चार स्पीकर लगे, ये वाटरप्रूफ है, तो इसमें बारिश का कोई इश्यू नहीं है। एक यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जिंग स्पॉट है, ठीक है। यहाँ से चार्जिंग होती है। ये स्विच मतलब दिया गया है कुछ सामान वामान टांगने को। और यहाँ पे भी एक चार्जिंग है। अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ किस तरीके से। एक मिनट पकड़ना भैया। देखो तो हमने अभी ओपन किया, आ रहा है उसमें, हाँ आ रहा है। तो ये अंदर कुछ ऐसा है, 18 किलो की बैटरी है, ठीक है। ये चार्जिंग का है, अगर आपको जो बैटरी रिमूव करना है इसको ऑफ करने का फिर निकालने का। बस ये इतनी सी रिव्यू है। और इसमें एक और खासियत है कि आप अगर कंटिन्यूसली एक स्पीड में हो, लाइक आपने समझो ऐसे किया और 20-30 के स्पीड में हो, तो ये अपने आप क्रूज कंट्रोल में चली जाती है। सबसे मतलब क्रूज कंट्रोल भी है इसके अंदर और इसका साइज सेंसर भी है। लाइक अगर ये स्टैंड बस जाने दो पहले, अगर ये स्टैंड में खड़ी है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इसमें स्टैंड सेंसर है, स्टैंड रिमूव करो फिर गाड़ी चलेगी। तो कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।